हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम हारमोनियम के ऊपर पहली एक्सरसाइज यानी कि पहले अलंकार को हम सही तरीके से सही फिंगर पैटर्न के साथ कैसे हारमोनियम के ऊपर बजाते हैं। सो, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग फास्ट हारमोनियम बजाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी उंगलियां बहुत तेज़ी से हारमोनियम के ऊपर चले, तो आपको बिल्कुल सही जो फिंगर पैटर्न बना है हारमोनियम बजाने के लिए वही यूज़ करना चाहिए। सो, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी आती है, आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में स्पीड को ला सकते हैं। तो सो, यहाँ पे देखेंगे पहली एक्सरसाइज यानी कि सारे गमा पधा निशा सानी धपा मगर ऐसा को कैसे हम हारमोनियम के ऊपर सही फिंगर पैटर्न के साथ बजाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस वीडियो में एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें मैंने आपको फिंगर पैटर्न दिखा रखा है। अंगूठे को मैंने टी से डिनोट किया है, आपकी हाथ की पहली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को एक नंबर से डिनोट किया है, मिडिल फिंगर उसको दो नंबर से डिनोट किया है, रिंग फिंगर यानी कि तीसरी उंगली उसको तीन नंबर से डिनोट किया है, और आपकी जो सबसे पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली है हाथ की पांचवी उंगली उसको हमने चार नंबर से डिनोट किया है। सो, यही पैटर्न को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज बजाने के लिए। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप देखते हैं कि हर एक एक्सरसाइज, हर एक अलंकार या फिर सरगम, और एक चीज़ मैं और बता दूं, अलंकार और सरगम एक ही चीज़ होती है। आप अलंकार या फिर सरगम में देखते हैं आरोह और अवरोह। आरोह और अवरोह का मतलब क्या होता है कि आरोह का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्वरों के क्रम को ऊपर की तरफ लेके आगे बढ़ते हैं तो उसको आरोह बोला जाता है, देन स्वरों के किसी भी क्रम को ऊपर से लेके नीचे वापस की तरफ आते तो उसको अवरोह बोला जाता है। तो आप इसमें एग्जाम्पल के लिए देख ही रहे हैं, जैसे हमने लिख रखा है सा रे गा मा पा धा नी सा, देन अवरोह में वापस आ रहे हैं सा नी धा पा मा गा रे सा। सो, इसी चीज़ को हम टेक्निक के साथ देखेंगे हारमोनियम के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये एक्सरसाइज हारमोनियम के ऊपर बजा के दिखा रहा हूँ, देन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लिए सही फिंगर पैटर्न आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए मैं कैसे ये पहली एक्सरसाइज या पहला अलंकार बजा के दिखा रहा हूँ। ये आपका सही तरीका है किसी भी एक्सरसाइज को बजाने का और सही फिंगर पैटर्न को यूज करने का। तो आप देख रहे हैं सा के ऊपर हम यूज करेंगे इंडेक्स फिंगर यानी कि पहली उंगली, और रे के ऊपर यूज करेंगे मिडिल फिंगर यानी कि दूसरी उंगली, और गा के ऊपर यूज करेंगे अंगूठा, और मा के ऊपर फिर से पहली उंगली, और पा के ऊपर मिडिल फिंगर यानी कि दूसरी उंगली, और धा के ऊपर तीसरी उंगली यानी कि रिंग फिंगर, नी के ऊपर फिर से अंगूठा, और ऊपर वाले तासप्त के सा के लिए हम मिडिल फिंगर यानी कि दूसरी उंगली यूज करेंगे। सेम वही यही पैटर्न लेकर ऊपर जाएंगे और यही पैटर्न से हम वापस आएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। सो, ये आपका इस एक्सरसाइज को बजाने का सही टेक्निक है, सही तरीका है, और आप धीरे धीरे इसी तरह इस एक्सरसाइज को फास्ट करते जाएंगे सेम यही फिंगर पैटर्न लेके। अभी आप स्लो स्पीड में बजा रहे हैं, देन इसको थोड़ा मीडियम स्पीड में बजाइए, थोड़ा फास्ट करिए। देन थोड़ा और फास्ट करेंगे। सो, इस तरीके से धीरे धीरे आप फास्ट करते करते इसमें बहुत अच्छी स्पीड ला सकते हैं। सो, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप एक एक्सरसाइज को कम से कम 50 दफा या 100 दफा नहीं बजाते तब तक वो स्पीड नहीं आती, तब तक वो एक्सरसाइज आपकी उंगलियों के ऊपर नहीं बैठती और आपके जहन में भी नहीं बैठती। अगर गाने की बात करें तो गाने का भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। मैं आपको गा के भी दिखा देता हूँ इस एक्सरसाइज को। फास्ट गाना हो तो फास्ट भी आप सेम वैसे ही गाएंगे। सा।
सो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इसी तरीके से ये पहला लेसन आपके लिए मैं एंड करता हूँ। आने वाले समय में दूसरा लेसन लेके आऊँगा कल के वीडियो में। तो कल के लेसन के लिए कल को मिलते हैं। धन्यवाद।